काश्मीर की मेरी एक बहन है शमीमा अख्तर, ये कश्मीर के रहने वाले और कश्मीर से महाराष्ट्र में आई और महाराष्ट्र के संतों के विचारों का उस पर प्रभाव हो गया और उन्होंने आज दुनिया में एक प्रश्न है पर्यावरण, पूरी दुनिया चिंताग्रस्त है पर्यावरण, इस पृथ्वी का अब क्या होगा, ऐसे स्थिति में संतों ने जो दोहे लिखे हैं, अभंग लिखे हैं, वृक्ष वल्ली अमा सोयरे वनचरे पक्षी सुस्वरे आड़विति, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आलवीति, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे। संतों में बहुत दूर दृष्टि थी। संत नामदेव कहते हैं, संत नामदेव ये वृक्ष लाभिति सदा सर्वकाल तरावरी छत्रांचे झल्लाल, वो कहते हैं कि जो वृक्ष लगाते हैं, अलग अलग वृक्ष लगाते हैं, उनके महाराजा का जो छत्र होता है ऐसे उनके ऊपर एक छत्र होता है। ये ने सुखे रुचे वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, नगरे की रतावी जलाशय निर्मावी महावने लावावी नाना विधे, तो ये जो संतों ने हमें मार्गदर्शन किया है 400 साल 700 साल पहले, उन संतों का अभंग उसका दोहा लेकर जो आज समाज के लिए निहायत जरूरी है, ऐसे इस अभंग पर जनता का जन जागृति का काम करने जा रहे हैं आज मेरी एक बहन। पक्षी ही सुस्वरे आलवीति, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आमा सोयरे वनचरे। हमारे मित्र संजय नहार ये हमेशा कश्मीर के साथ सलोखा करते हैं। एक बार मैं भी उनके साथ कश्मीर गया था और ये संजय नहार और ये बहन जो है शमीमा अख्तर, शमीमा अख्तर
महाराष्ट्र में पढ़ते थे, तो ये संजय नाहर ने ये काम जो हाथ में लिया है, ये समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये संजय नाहर और शमीमा अख्तर, इनके कार्य के लिए, उम्र के लिए शुभकामना, धन्यवाद। हरी कथा भोजन परवड़ी विस्तार, हरी कथा भोजन परवड़ी विस्तार, हरी कथा करुणी प्रकार से अगर आप सबको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सरहद म्यूजिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।